हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। इंटेलिजेंस का टॉपिक शुरू करना था हमने, और इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। सो इंटेलिजेंस का यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंसेस, एक्वायर नॉलेज एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन अडेप्टिंग न्यू सिचुएशंस और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी है हमारी, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं चीज़ों को और नॉलेज को एक्वायर करते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस, मतलब जो डेली हमारे रूटीन में न्यू सिचुएशंस हमें मिलती हैं, जो नई नई चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, उसमें हम किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को, हमारे नॉलेज को और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके अडेप्ट करते हैं और डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिविजुअल नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर कल्चर। तो ये सारी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी को भी चाहिए अपने कल्चर में सर्वाइव करने के लिए। इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो अलग अलग रिसर्चर्स ने दी हुई हैं, जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी है। उसमें से सबसे पहले है स्पीयरमैन की जी फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन जो है, चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने इंटेलिजेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इन्होंने बोला है कि जी फैक्टर होता है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। जी मतलब जनरल, जनरली जो ओवरऑल हर चीज़ में इंटेलिजेंट होते हैं वो हो गया जी फैक्टर। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी में बहुत अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में बहुत अच्छे हैं, तो एक हो गई जनरल इंटेलिजेंस। दूसरी इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो टास्क स्पेसिफिक होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर के टास्क में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या उसमें बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि म्यूज़िक में कोई बहुत अच्छा है, कोई बिजनेस में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, तो उसको इन्होंने एस फैक्टर बोला है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बोला है। तो दो तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने बोली है। एक बोली है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप कह सकते हो कि कोई जनरली ओवरऑल कितना इंटेलिजेंट है, जैसे कि हम आईक्यू टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं किसी की इंटेलिजेंस, वो हो गई जी फैक्टर। दूसरी इन्होंने बोली है एस फैक्टर। एस मतलब स्पेसिफिक हो गया, मतलब आपकी कोई स्पेसिफिक चीज़ में आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मतलब आप बहुत अच्छे हो किसी एक चीज़ में, जैसे म्यूजिक में लिया हुआ एग्जाम्पल यहाँ पे, वो हो गया एस फैक्टर। अब ये वाली थ्योरी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने हर तरह की इंटेलिजेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जबकि इससे भी कई ज़्यादा टाइप्स की इंटेलिजेंस होती हैं, और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई करके इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दे दिया, जबकि इंटेलिजेंस थोड़ा सा और इससे ज़्यादा ही कुछ इसमें होता है। ऐसे इतना ज़्यादा सिंपली हम नहीं बोल सकते कि इंटेलिजेंस खाली इतनी ही होती है, तो इसलिए आगे और चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज आई थी, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आई थी। हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस बहुत तरह की टाइप्स की होती हैं, खाली दो टाइप्स में नहीं हम डिवाइड कर सकते इंटेलिजेंस को। तो इसमें इन्होंने जो अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी वो ये थी, टोटल 9 इंटेलिजेंस इन्होंने बताई थी, टाइप्स हैं। एक तो वर्बल इंटेलिजेंस होती है, जो अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, जो लोग वर्बल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, जैसे जो राइटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जिन लोगों को वर्बली अपनी लैंग्वेज यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका आता है, तो वो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है? वर्बल इंटेलिजेंस है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, जो म्यूज़िक परफॉर्म कर लेते हैं बहुत अच्छे से, म्यूजिशियंस होते हैं जितने भी, तो वो म्यूजिकल, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। फिर होती है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंट होती है, जो किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें किस तरह के लोग आते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इनके अंदर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस कौन सी होती है? जो अपने आसपास की जगह को और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ ऑब्जेक्ट्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस। जैसे पायलट हो गया, उसको एक स्पेस का आइडिया होता है जब वो प्लेन फ्लाई कर रहा होता है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो विजुअली अपने जो भी आर्ट का, जो भी उनका है, पेंटिंग हो गया है, जो भी उनका फील्ड है उसमें वो इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को। नेविगेटर्स होते हैं, जो नेविगेट करते हैं, तो इनके पास ये वाली इंटेलिजेंस में ही काफ़ी अच्छे होते हैं, विजुअल और स्पेशल, के आसपास की स्पेस को लेके और विजुअल्स को लेके। फिर मूवमेंट इंटेलिजेंट, एबिलिटी टू कंट्रोल वन बॉडी मोशंस, जो अपनी बॉडी मोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं।
जैसे डांसर्स हो गए या एथलीट्स हो गए, ये वाली इंटेलिजेंस का नाम आपको कहीं कहीं पे काइनेस्थेटिक करके भी मिलेगा। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, जो सेंसिटिविटी रखते हैं, दूसरों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं अपने टीम को, जिनका काम होता है दूसरों को किसी तरीके से मोटिवेट करना, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। इंट्रा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस इमोशन, इंट्रा मतलब आपकी खुद की, तो जो खुद की अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो उन्होंने क्या करना है अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें उनको क्लियर होती हैं, अपने आप को अच्छे से गाइड कर लेते हैं, उनके अंदर इंट्रा पर्सनल, जिनको अपने गोल्स क्लियर होते हैं। तो वेरियस पीपल ओरिएंटेड कैरियर्स, तो जहाँ पे आपके खुद के वो होते हैं, जैसे आपको खुद को अपने आप को गाइड क्लैरिटी होती है, जबकि जैसे इसमें कह सकते हो आप, जो जैसे जो लोग प्लेसमेंट्स वगैरह कराते हैं दूसरों की, जो लोगों को थोड़ा सा हेल्प करते हैं गाइड करने में, तो उस तरह के लोग होते हैं इसमें। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दी पैटर्न फाउंड इन नेचर, तो नेचर को जो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, लैंडस्केपर्स हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, बॉटनिस्ट हो गए। फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो इसमें क्या है, जो लोग अपने ह्यूमन अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जो लोग क्वेश्चन करते हैं, जो अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस या डेथ की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, उसको समझ पाते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ को समझ पाते हैं। इसमें काफ़ी सारे करियर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जो मोटिवेशनल जो लोग होते हैं, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, उस टाइप के लोग हो गए, फिलोसॉफिकल थिंकर्स हो गए, जो फिलोसफी वगैरह के बारे में बुक में लिखते हैं या दूसरों को बताते हैं। तो गार्डनर के अकॉर्डिंग इस तरह की बहुत सारी इंटेलिजेंसेज हैं हमारे अंदर, कुछ कम सारी होती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि सारी है बहुत ज़्यादा ना हो, बाकी सारी मिनिमम हो, लेकिन किसी एक में आप ज़्यादा अच्छे हो इनमें से, तो ऑल टुगेदर ये सारी इंटेलिजेंस सब में मिलेंगी, लेकिन एक ना एक इंटेलिजेंस में हम कभी कभी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। उसके बाद फिर आती है स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी। ट्रायार्किक मीन्स तीन टाइप की इन्होंने बताई है, और ट्रायार्की का मतलब तीन होता है, तो स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी में तीन किसको रेफर कर रहे हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, जब हम प्रॉब्लम्स को एनालिटिकली सोच के सॉल्व करते हैं, एबिलिटी टू ब्रेक प्रॉब्लम्स डाउन इंटू कंपोनेंट्स, पार्ट्स और एनालिसिस। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में एनालाइज कर पाते हैं, उनको टुकड़ों में बांट के उसके अंदर उसको अच्छे से एनालाइज अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व कर पाना, उसको एनालिटिकल, या ये सब चीज़ें आपको एकेडमिक अचीवमेंट में नज़र आती है, जब हम लोगों की एकेडमिक अचीवमेंट देखते हैं, उसमें जो लोग अच्छे होते हैं वो एनालिटिकली इंटेलिजेंट होते हैं। इन लोगों को हम बुक स्मार्ट भी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को जिनके अंदर एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। फिर है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है, एबिलिटी टू डील विद न्यू एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो जो लोग नए कॉन्सेप्ट से, नई चीज़ों के साथ अच्छे से डील कर देते हैं, या नए प्रॉब्लम्स को नए तरीके निकाल देते हैं सोचने के, जैसे कि हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ा था, तो वो हो गई क्रिएटिव इंटेलिजेंट। फिर आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है जो लाइफ में प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है टैक्टफुली, वो होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों को हम स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं, जैसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस में हमने बुक स्मार्ट बोला था, लेकिन इनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, उनको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। ये लोग अपने करियर में रियल लाइफ सिचुएशन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बुक स्मार्ट होते हैं वो लोग। तो जॉब्स वगैरह में भी जब हायरिंग होती है, तो प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट लोगों की हायरिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, ज़्यादा बेटर होती है इंस्टेड ऑफ एनालिटिकल इंटेलिजेंस लोगों की, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। तो इन तीनों का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे एनालिटिकल मतलब बींग एबल टू रन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा। तो कोई अगर अपने एक्सपेरिमेंट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे एनालिटिकली इंटेलिजेंट है। क्रिएटिव मतलब बीइंग एबल टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट। तो कोई है जो अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर पा रहा है बहुत अच्छे से, कि वो क्या क्या करेगा उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो गई।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या हो गया, बीइंग एबल टू गेट फंडिंग फॉर द एक्सपेरिमेंट, और कोई है जो अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए फंड्स कलेक्ट कर पा रहा है, तो वो होगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो प्रैक्टिकल लेवल पे काम कर रहा है। सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि आज के टाइम में क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की वैल्यू ज़्यादा है, और सक्सीड होने के लिए अपने करियर में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज हमने देख लिया, अब इसको मेजर करने का क्या तरीका है वो देखते हैं कि इंटेलिजेंस मेजर कैसे करते हैं। तो हिस्टोरिकली कैसे शुरुआत हुई थी इसकी, वहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें जो नाम आएगा वो एल्फ्रेड बिने का आएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक मेथड डिज़ाइन किया था बच्चों की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनको बोला था कि एक ऐसा फॉर्मल टेस्ट डिज़ाइन करो जो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्लास में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े लेट लर्नर्स का मतलब जो बाकी बच्चों से ज़्यादा टाइम लगाते हैं कोई चीज़ सीखने में। तो इन्होंने उन बच्चों के लिए टेस्ट डिज़ाइन करे थे कुछ, और इनकी जो कोलीग थी इनके साथ थियोडोर साइमन थे, तो दोनों ने मिलके फास्ट लर्नर्स और स्लो लर्नर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट बनाए थे। तो इन्होंने क्या नोटिस किया था कि फास्ट लर्नर सीम टू गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट ओल्डर चिल्ड्रन माइट गिव, वेयर एज द स्लो लर्नर्स गिव आंसर्स दैट वर मोर टिपिकल ऑफ अ यंगर चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये नोटिस किया था कि जो फास्ट लर्नर्स थे वो उस तरह वो ऐसे जवाब भी दे पा रहे थे क्वेश्चंस का जो उनसे बड़े बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन जो स्लो लर्नर्स थे वो उनके जो आंसर करने का लेवल अपने से छोटे बच्चों तक का ही था। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि मेंटल एज में भी फ़र्क आ रहा है, ना कि क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है कि वो एक्चुअली में कितने साल के हैं, लेकिन जब जवाब वो दे रहे थे, आंसर्स दे रहे थे उनके टेस्ट का, तो उन्होंने देखा कि जो ज़्यादा फास्ट लर्नर्स थे उनसे वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पूछ रहे थे जो उनसे बड़ी एज के बच्चों के लिए था, तो वो भी आंसर दे पा रहे थे, और जो स्लो लर्नर्स थे वो अपनी एज से कम एज के क्वेश्चंस का जो बने हुए थे, कम छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन जो बने हुए थे उनका ही आंसर दे रहे थे बस। तो मेंटल एज में भी फ़र्क आ रहा था कि मेंटली वो कितनी एज के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर पा रहे थे आंसर। तो फिर उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी निकाला था कि मेंटल एज एक चीज़ होती है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंटेलिजेंस कितनी है किसकी। फिर आया था स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू टेस्ट आया था। यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर थे लुइस टर्मैन, और एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है विलियम स्टर्न। इन दोनों का मेथड कंपेयर करने का था कि हम मेंटल एज को और क्रोनोलॉजिकल एज को ना हम वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ यूज़ करके, बिने का टेस्ट यूज़ करके, वो बिने अल्फ्रेड बिने ने जो ऊपर टेस्ट बनाया था बच्चों के लिए उसी को रिवाइज करेंगे, और उसके बेस पे एक फॉर्मूला इन्होंने निकाला, ये वाला फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से हम आईक्यू निकालते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो हम जिसे बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने मेंटल एज को डिवाइड किया था क्रोनोलॉजिकल एज से और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो मेंटल एज क्या थी, जिस हिसाब से वो बच्चे क्वेश्चन दे पा रहे थे, अपने किस एज के लिए बने हुए क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पा रहे थे उस हिसाब से मेंटल एज थी। जैसे एक चाइल्ड है जो 10 साल का है, लेकिन वो जब टेस्ट लेता है तो जैसे कोई 10 साल का बच्चा अगर उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेकिन वो उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा है जो 7 साल के बच्चों के लिए बने हैं, तो दैट मीन्स उसकी जो मेंटल एज है वो 7 ईयर्स है, और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी एक्चुअली में 10 ईयर्स है। तो उसका कैसे आईक्यू निकलेगा, मेंटल एज क्या थी, 7 थी, तो 7 डिवाइडेड बाय जितने साल का वो एक्चुअली में है 10, तो इन 200 करेंगे ये उसका आईक्यू निकलेगा। तो इस तरीके से आईक्यू का फॉर्मूला बनाया था इन्होंने, और जो टेस्ट यूज़ किया था वो अल्फ्रेड बिने का ही लिया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था, और उससे मेंटल एज निकाली, क्रोनोलॉजिकल एज ने पता थी, उस हिसाब से आईक्यू निकाला गया था। तो यहाँ पे इसका नाम अब हो गया था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था और बिने का टेस्ट था, तो इसको बोला था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ये ज़्यादातर बच्चों के लिए ही यूज़ होता था,
और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी हैं अब, इनमें और भी एज ग्रुप्स ऐड करी हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप लिए था उस टाइम, तो छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए इन्होंने रिवाइज किया है उसको यूज़ करने के लिए, और ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़ होता है, आज भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं टेस्ट दे सकते हैं। मैनी चिल्ड्रन आर गिवन दिस टेस्ट इन द सेकेंड ग्रेड और एज ऑफ 7 और 8, तो इस एज के कंपेरिजन में ये ज़्यादा यूज होता है 7 और 8 की। तो यहाँ पे पैराफ्रेज सैम्पल आइटम्स फ्रॉम दी स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं उस टेस्ट में से, जैसे कि अगर एज 2 साल की है तो उसको क्या देंगे ये लोग टेस्ट में, बोर्ड विथ 3 डिफरेंटली शेप होल्स, एक बोर्ड देंगे जिसमें 3 अलग अलग शेप के होल्स होंगे, चाइल्ड कैन प्लेस करेक्ट शेप इनटू मैचिंग होल ऑन बोर्ड, तो उनको जो शेप दी होगी छोटी छोटी वो करेक्ट होल में अगर चाइल्ड प्लेस कर पा रहा है कि नहीं, इस तरीके से। फिर 4 साल का है तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिज देंगे, तो चाइल्ड कैन बिल्ड अ सिंपल ब्रिज आउट ऑफ ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स को यूज करके उसने ब्रिज बनाना है सिंपल सा। 7 ईयर्स का है तो चाइल्ड कैन आंसर सच क्वेश्चन एज इन व्हाट वे आर शिप एंड कार अलाइक, तो सिमिलैरिटीज पूछेंगे दो चीज़ों के बीच में, कि शिप और कार आपस में एक जैसे क्यों, उन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है एक शिप के और एक कार के बीच में। 9 साल का है तो डिजिट रिवर्सल, डिजिट को रिवर्स करके बताना है, बैकवर्ड्स बताना है डिजिट्स को, तो इस तरीके से कुछ आइटम्स इन्होंने यहाँ पे बताई है किस तरीके से टेस्ट में यूज करते थे। फिर आए थे बैचलर के टेस्ट आए थे, ये टेस्ट जो है डेविड बैचलर ने बनाए हैं, वॉज द फर्स्ट टू डिवाइज अ सीरीज ऑफ टेस्ट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप्स, तो ये स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिए थे, जैसे स्टैनफोर्ड बिने के ज़्यादा फोकस तो बच्चों पे था, बाद में एडल्ट्स के लिए डिजाइन हुए थे, लेकिन जो बैचलर थे इन्होंने पहले से ही अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए बनाए थे। इसमें कौन कौन से एज ग्रुप्स थे, जैसे ओल्डर स्कूल एज चिल्ड्रन थे, प्री स्कूल चिल्ड्रन थे, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के थे, और ये डिफरेंट टाइप्स के भी थे, जैसे एडल्ट का इंटेलिजेंस स्केल एडल्ट्स के लिए था, फिर फॉर चिल्ड्रन था बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन WISC, तो ये बच्चों के लिए था, फिर प्री स्कूल और प्राइमरी स्केल के लिए था, तो इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लिए टेस्ट ही अलग अलग बनाए थे। और इसके अंदर क्या चीज़ और थी, अनदर वे दिस टेस्ट डिफर्ड फ्रॉम स्टैनफोर्ड बिने वॉज बाय हैविंग बोथ वर्बल एंड परफॉर्मेंस नॉन वर्बल स्केल एज प्रोवाइडिंग एन ओवरऑल स्केल इंटेलिजेंस, तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह की चीज़ें थी किसी की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक सैम्पल यहाँ भी दिया हुआ है इस टेस्ट का, जो एडल्ट के लिए है, WAIS बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, वर्बल एबिलिटी के लिए क्या था, सिमिलैरिटीज बताओ, इन व्हाट वे सर्कल एंड ट्राइंगल आर अलाइक, कि सर्कल और ट्राइंगल में क्या सिमिलर है, वोकैबलरी बतानी है, व्हाट इज हिपोपोटामस, इस तरीके से वोकैबलरी बतानी है, इंफॉर्मेशन बतानी है, व्हाट इज स्टीम मेड ऑफ, व्हाट इज पेपर, तो ये तो हो गए वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट। फिर इसके अंदर परसेप्शुअल रीजनिंग के टेस्ट भी थे, जैसे ब्लॉक डिजाइन, आफ्टर लुकिंग एट अ पैटर्न और डिजाइन ट्राई टू अरेंज स्मॉल क्यूब्स इन द सेम पैटर्न, कोई एक पैटर्न देख के उस तरीके से बाकी क्यूब्स को भी अरेंज करना है। मैट्रिक्स रीजनिंग, आफ्टर लुकिंग एट इनकम्प्लीट मैट्रिक पैटर्न सीरीज सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट कम्प्लीट, मतलब कुछ सीरीज में कुछ चीज़ें दी हुई हैं उसका लास्ट वाला ब्लैंक है, तो नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा आएगा उसके लास्ट में, वो सीरीज कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन में जो जो दिया है उसमें से चूज करना है कि क्या चीज़ आएगी उसके आगे, जैसे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस में आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। फिर विजुअल पजल्स थी, सेलेक्ट 3 कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शन दैट वुड रिक्रिएट द पजल, तो पजल्स को किस तरीके से कंप्लीट करना है, इसमें परसेप्चुअल रीजनिंग टेस्ट होता था। फिर मेमोरी इंडेक्स टेस्ट भी है, मेमोरी इंडेक्स में जैसे उनको कोई चीज़ें सुना दी, कुछ वर्ड्स बोल दिए, नंबर्स बोल दिए, उनको बाद में बोला उनको रिकॉल करो कि क्या क्या नंबर्स थे, असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉल करो। अर्थमेटिक एबिलिटी कैसे चेक करी थी, कि जैसे डिवीजन वाले सम्स दे दिए या मल्टीप्लिकेशन वाले सम्स दे दिए, इस तरीके से। फिर है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, इसमें स्पीड भी चेक कर सकते थे, जैसे विजुअली स्कैन अ ग्रुप ऑफ सिंगल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टारगेट सिंबल, तो बहुत सारे सिंबल्स को बोला जल्दी से इसमें इसको देखो, इसमें से ढूंढो कि वो टारगेट सिंबल कौन सा है जो आपको पहले दिखाया था, तो कितनी स्पीड में वो कर सकते हैं ये काम। कोडिंग के बारे में टेस्ट था, कोई एक
सिंबल था जो लर्न कराया था, एंड देन फिल इन द ब्लैंक अंडर द नंबर विद द करेक्ट सिंबल, और वो सिंबल किससे मैच कर रहा है उसे भरना है। तो इस तरीके से बैचलर्स की टेस्ट में काफ़ी टाइप के अलग अलग थे, जिसमें खाली वर्बल ही नहीं परफॉर्मेंस वाले टेस्ट भी थे। तो सिर्फ वर्बल एबिलिटी के बेस पे नहीं, परफॉर्मेंस एबिलिटी के बेस पे भी आप चेक कर सकते हो। फिर टेस्ट कंस्ट्रक्शन, गुड टेस्ट और बैड टेस्ट, कि कोई एक टेस्ट कितना अच्छा होता है और कितना खराब होता है वो किस चीज़ से पता चलता है, दो चीज़ों से पता चलता है। एक होती है उसकी रिलायबिलिटी, तो दूसरी चीज़ होती है उसकी वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, रिलायबिलिटी ये होता है कि आप उस टेस्ट को जितनी बार भी ले रहे हो आपका जो रिजल्ट है वो फ़र्क नहीं आ रहा, वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो उसको करना चाहिए। तो जैसे कि रिलायबिलिटी क्या है, रेफर्स टू दी टेस्ट प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट, उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट आ रहा है ईच टाइम इट इज़ गिवन टू द सेम इंडिविजुअल। अगर सेम पर्सन को कोई टेस्ट बार बार दिया जा रहा है तो रिजल्ट सेम आना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कि एक दिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया अगले दिन बहुत खराब हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल निकोलस टेक अ पर्सनैलिटी टेस्ट टूडे देन अगेन इन अ मंथ, सो द रिजल्ट शुड बी वेरी सिमिलर। तो रिजल्ट सिमिलर होना चाहिए एक ही पर्सन के ऊपर, अगर वो चीज़ करी जा रही है बार बार, तो वो होता है उसकी रिलायबिलिटी। फिर आता है वैलिडिटी, वैलिडिटी होता है कि जो चीज़ लैब में मेजर हो रही है कि वही चीज़ बाहर रियल लाइफ में भी वैलिड है, कि वो सिर्फ लैब में इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। डिग्री टू विच टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर, वो क्या चीज़ मेजर कर रहा है, सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो चीज़ मेजर करने के लिए वो बनाया गया है क्या वो एक्चुअली में वही चीज़ मेजर कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा ये है कि द ऑब्टेंड स्कोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द इंटेंडेड स्किल और आउटकम इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि जो चीज़ वो लैब में जो स्कोर आ रहे हैं वही चीज़ उसकी रियल लाइफ में भी आते हैं सेम टाइप के स्कोर्स। इसको इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं, कि जो चीज़ आप एक लैब में परफॉर्म करके जा रहे हो सेम चीज़ आप बाहर भी कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने गया, वहाँ उसने बहुत अच्छा कर लिया पर एक्चुअली में वो ड्राइव कर पा रहा है कि नहीं रोड पे उसी तरीके से। तो ये होती है वैलिडिटी, जो कि टेस्ट में बहुत ज़रूरी होती है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होना, अदरवाइज वो टेस्ट जो है वो एक तरीके से यूजलेस माना जाता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसको मैं ये ख़त्म करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।